प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम प्रकाश शुक्ल आप सभी का कक्षा 9 की संस्कृत व्याकरण कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यह व्याकरण का प्रथम अध्याय है, इसका यह भाग एक है। इसका शीर्षक है माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आइए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा जो सर्वप्रथम पहला बिंदु है वह परिचय, अर्थात हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका परिचय आपको इस कक्षा के माध्यम से होगा। तत्पश्चात चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, उनकी उत्पत्ति और उनका परिचय आप जानेंगे। उसके पश्चात वर्ण विचार, तदनंतर प्रत्याहार का अर्थ, उसकी परिभाषा तथा उसके नियम और उसके उदाहरणों से आप परिचित होंगे। कक्षा के अंत में अभ्यास कार्य के लिए आपको गृह कार्य स्वरूप कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिन्हें आप हल करेंगे। तो आइए हम अपने प्रथम बिंदु की ओर बढ़ते हैं और माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान से परिचय प्राप्त करते हैं। माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार स्तंभ हैं। जिस प्रकार एक भवन बनाने के लिए स्तंभों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधारभूत स्तंभ हैं। महर्षि पाणिनि को यह सूत्र शिवजी अर्थात महेश की कृपा से प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। शिवजी का एक नाम महेश है और महेश के द्वारा भगवान पाणिनि को यह सूत्र प्राप्त हुए। महर्षि पाणिनि को भगवान की संज्ञा से भी अभिभूत किया जाता है व्याकरणाचार्यों के द्वारा। तो भगवान शिव जी की कृपा से महर्षि पाणिनि को यह सूत्र प्राप्त हुए। शिव जी का नाम महेश होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन सूत्रों के द्वारा वर्णमाला को वैज्ञानिक विधि से प्रतिपादित किया गया है, यह आप इस कक्षा के माध्यम से जानेंगे भी। माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने में भी किया जाता है। तो आइए हम अपनी कक्षा को विस्तार देते हैं और माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में जानते हैं। तांडव नृत्य के पश्चात भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर के सनकादि ऋषियों के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 14 बार अपनी डमरू का निनाद किया और उस डमरू से जो ध्वनियाँ निकली उन ध्वनियों को ही 14 सूत्रों के रूप में ग्रहण करके महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की और उसके आधार पर ही उन्होंने एक महान ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति के संबंध में यह श्लोक एक अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसका वाचन मैं करता हूँ, उसी का भावार्थ ऊपर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान ने तद विमर्श शिव सूत्र जालम। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ ऊपर ही देख ही चुके हैं। तो यह सूत्र माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति से संबंधित है, अतः इस श्लोक को सभी विद्यार्थीगण याद कर सकते हैं। अब हम माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति के विवरण को जानने के पश्चात माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, कितने हैं, कौन से 14 सूत्र हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यह 14 सूत्र आप देख सकते हैं, आ ई उ ण इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। आप यह भी ध्यान रखिए कि प्रत्येक वर्ण अलग अलग है और इनका जो अंतिम वर्ण है वह हलंत है और जो हलंत वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है, अर्थात उसका परिगणन उसकी गणना नहीं होती है। तो जिस प्रकार से ये 14 सूत्र हैं उनका उच्चारण सर्वप्रथम हम आपके सम्मुख करते हैं और उसका उसी प्रकार से उच्चारण करते हुए इन सूत्रों को निश्चित ही आप सभी विद्यार्थीगण कंठस्थ कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि व्याकरण के आधार होने के कारण माहेश्वर सूत्र एक विद्यार्थी को याद होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम इसका वाचन करते हैं, आ ई उ ळ रि लृ क ए ओ ङ आई औ च ह य व र ट ल ण यमङ्गळ न म झ भ य घ ढ ध ष
ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श ष स र ह ल। इस प्रकार से 14 सूत्र इनको मैंने अलग अलग पढ़ा। एक बार पुनः मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूँ थोड़ी तीव्र गति से। आई उण रिल रिक ए ओं ऐ औच हय अवरट लण यमंगलनम झभाय घट धश जब गट दश खफ छठत चट तव कपय सशर हल। इस प्रकार से इन 14 सूत्रों का वाचन आप सभी इसका अनुकरण करते हुए इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आपको एक और विशेष बात देखिए कि यहाँ पर प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत वर्ण है और उस वर्ण की इत संज्ञा होती है। जैसे कि ऐ उण में आप देख सकते हैं कीड़ा की रा को हलंत किया गया है, ऋक में का को हलंत किया गया है, ए ओम में गा को हलंत किया गया है और उसके पश्चात ऐ औच में भी चा को हलंत किया गया है, हैवरट में टा को हलंत किया गया है, लण में णा को हलंत किया गया है, उसके पश्चात यमंगलनम में माँ, झभय में या और घट दस में उर्धन शकार को, यहाँ पर जब घट दस में तालव्य शकार को, खप छठत चटतव में वकार को और उसके बाद कपय सूत्र में या को हलंत किया गया और सशसर में रा को हलंत किया गया, उसी प्रकार से हल में ला को हलंत किया गया। तो ये हलंत क्यों किए गए इसका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि इनकी गणना नहीं होती है और इन सभी हलंत वर्णों की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने के पश्चात इनका लोप हो जाता है। लोप का तात्पर्य यह है कि इनकी गणना नहीं की जाती है, परंतु गणना नहीं की जाती है परंतु इनका भी उद्देश्य है, इनका विशेष उद्देश्य इनकी गणना नहीं की जाती है। प्रत्याहारों की सिद्धि इन्हीं हलंत वर्णों के ऊपर निर्भर करती है। ये कैसे करती है इस कक्षा में आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब वर्ण विचार, जैसे कि आपने देखा कि समस्त वर्णों को माहेश्वर सूत्रों में परिगणित कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समस्त वर्ण माला माहेश्वर सूत्रों में वर्णित है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम जो 4 सूत्र हैं उनमें सभी स्वर वर्णों को समाहित कर दिया गया है और बाकी के यहाँ से देखिए ऐ उण से ऐवोच सूत्र तक सभी स्वर वर्ण हैं, स्वर। और उसके बाद हयवरट से हल तक सभी व्यंजन वर्णों को समाहित किया गया है, अर्थात इन सभी वर्णों को अच कहा जाता है, अच। और हल हयवरट के ह से लेकर के हल तक सभी को कहा जाता है हल। हल का अर्थ होता है व्यंजन। तो इस प्रकार से अच और हल, अच अर्थात स्वर, हल अर्थात व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दोनों का परिगणन माहेश्वर सूत्रों में किया गया है, यह भी आप ध्यान रखें। तो बड़े ही वैज्ञानिक पद्धति से माहेश्वर सूत्रों में वर्णों को रखा गया है, यह आपको स्पष्ट होगा। अब हम उन्हीं वर्णों पर विचार करते हैं और उनके विषय में जो विशेष बातें हैं वो जानते हैं। वर्ण क्या होता है, उसका अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ है अक्षर या ध्वनि। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, अर्थात जो विभाजित नहीं हो सकती है, ऐसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर कुछ ध्वनियाँ लिखी हुई हैं, अ ई उ का च ट त प, इस प्रकार से यहाँ पर आप ध्वनियाँ देख सकते हैं। तो ये क्या हुए, वर्ण हो गए। इनको हम चाहें भी तो विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई है इसलिए ये विभाजित नहीं हो सकती। उसके बाद संस्कृत भाषा में स्वर और व्यंजन
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बता रहे हैं कि पहले तो हमने वर्णों को जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्णों के प्रकार कितने होते हैं यह भी जानते हैं। तो संस्कृत भाषा में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं यह भी जानते हैं। स्वर अर्थात अच, हमने अभी माहेश्वर सूत्रों की स्पष्टीकरण में जाना कि स्वर को अच भी कहा जाता है। तो स्वर जिन वर्णों को बिना किसी सहायता के उच्चारण किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अब उनके उदाहरण जानते हैं, आ दीर्घ आ, ई दीर्घी, उ इत्यादि, तो ये क्या हैं, स्वर वर्ण हैं। इन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते हैं और ये बिना किसी की सहायता के उच्चारण किए जा सकते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं यह भी जानते हैं, तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो इस प्रकार से तीन स्वर होते हैं और उनकी तीन मात्राएं होती हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ प्लुत ये इनकी विशेषता मात्राएं होती हैं और इन्हीं के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि वर्ण क्या होता है और उसके पश्चात आपने जाना कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, उसमें स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वरों के उदाहरणों को भी देखा आपने। अब हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। हमने स्वरों के प्रकार जाने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, आ ई उ री ली, इस प्रकार से ये यहाँ पर दिखाए गए आपको, आ ई उ री ली, ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं, अर्थात ये एक मात्रिक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें एक मात्रा का स्वर लगा हुआ है, एक मात्रिक होते हैं। जहाँ पर एक मात्रा वाला स्वर हो उसको हमें समझना चाहिए कि वह ह्रस्व स्वर होता है। तो यहाँ पर आ में भी एक मात्रा लगी हुई है, ई में एक मात्रा है, ऊ में भी, री में भी, ली में भी। तो इस प्रकार से इन स्वरों में एक मात्रा होने के कारण इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व को लघु भी कहते हैं। उसके पश्चात हम दीर्घ स्वर को जानते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में इसका अर्थ है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो री होता है वहाँ पर एक इसकी मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर दो लगी हुई हैं, तो इसलिए ये दीर्घ री है। ए ऐ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, उसके पश्चात ये ऐ है और फिर ओ और औ, इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर हो गए। यानी कि इनमें दो मात्रा होती हैं, दो मात्राओं का समय लगता है। मात्रा का अर्थ विशेषता होता है काल से, अर्थात एक मात्रा में कितना समय लगता है, दो मात्राओं में जितना समय लगता है वही मात्राएं होती हैं और उसी के अनुसार स्वरों का निर्धारण होता है। अब आते हैं हमने ह्रस्व स्वर जाना, दीर्घ स्वर जाना और अब प्लुत स्वर की ओर बढ़ते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हम स्पष्ट हो जाएं सभी विद्यार्थीगण, प्यारे बच्चों, जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ, पुनः एक बार देखिए, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है और प्लुत स्वर में तीन मात्राओं का समय लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद यहाँ पर देखिए यह चिन्ह लगाया जाता है तीन का, क्योंकि इससे हमें संकेत मिलता है कि इसमें तीन मात्राएं होती, तो यह चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आ के बाद तीन का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर यह प्लुत स्वर है। ई के बाद तीन की
यहाँ पर संकेत किया गया है, तीन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इन वर्णों में आप देख सकते हैं कि प्लुत का चिन्ह अंकित है। तो इसलिए ह्रस्व दीर्घ प्लुतों को, स्वरों को आपने जाना। अब हम अन्य वर्णों के विषय में भी जानते हैं। स्वर तथा उनकी मात्राओं का ज्ञान करने के लिए हमें एक श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है, उसको अवश्य ही प्रत्येक विद्यार्थी को कंठस्थ कर लेना चाहिए, जिससे कि उसको स्वरों की मात्राओं का ठीक ठीक ज्ञान हो सके। यह श्लोक हम उच्चारण करते हैं, इसको ठीक प्रकार से आप सभी विद्यार्थीगण याद कर लेंगे। एकमात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। इस प्रकार से यह श्लोक है। एकमात्रो भवेद ह्रस्वो, अर्थात जो जिसमें एक मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं कि उसे ह्रस्व कहा जाता है। अर्थात जिस स्वर में एक मात्रा हो उसे ह्रस्व स्वर, जिस स्वर में दो मात्रा हो उसे दीर्घ स्वर, और जिसमें तीन मात्राएं होती हैं ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। और सबसे अंत में जब स्पष्ट किया है तो कहा व्यंजनम चार्धमात्रिकम, अर्थात जो व्यंजन होते हैं वह अर्धमात्रिक होते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, जिसमें अर्धमात्रा होती है वह व्यंजन कहलाते हैं। इसीलिए व्यंजन का उच्चारण ठीक प्रकार से हो सके इसलिए उनको उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकमात्रो भवेद ह्रस्वो, फिर दूसरा भाग है दीर्घ को कह रहे हैं यहाँ पर, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, फिर त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अब इस श्लोक को सभी विद्यार्थीगण ध्यानपूर्वक कंठस्थ कर लेंगे जिससे कि उन्हें स्वरों का पूरा ज्ञान हो सकेगा। व्यंजन हल, अर्थात व्यंजन यानी हल, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन अथवा हल कहते हैं। प्रमुख रूप से व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से ये चार प्रकार व्यंजनों के होते हैं। अब इन चार प्रकारों के बारे में भी हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थीगण ध्यान से सुनेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा तालु आदि स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमारी जिह्वा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय तालु आदि स्थानों का स्पर्श करती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग देखेंगे कि इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ये पांच वर्गों में विभक्त हैं। ये पांच वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हैं, ये पांच वर्गों में स्पर्श व्यंजन विभक्त हैं और प्रत्येक वर्ग में पांच व्यंजन होते हैं, यानी पांच पांच व्यंजन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वर्ग ये है कवर्ग, और दूसरा चवर्ग, और तीसरा वर्ग है टवर्ग, उसके बाद चौथा टवर्ग, फिर पांचवा पवर्ग। तो ये पांच प्रकार के वर्ग हुए और प्रत्येक वर्ग में पांच पांच अक्षर होते हैं, पांच पांच वर्ण होते हैं। वर्ण का पर्याय है अक्षर। तो इस प्रकार से आपने देखा कवर्ग में काखा गा घंगा, चवर्ग में चाछा जाझाइया, ट वर्ग में टाठा डाढ़ा, त वर्ग में था ता था दा ध न, और प वर्ग में पा फा बा भ मा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग में पांच पांच अक्षर होते हैं और उन 25 वर्णों को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब आप स्पर्श व्यंजन के पश्चात ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं वो देखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या चार है। कौन कौन से हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, श
आप देख सकते हैं कि इनकी चार संख्या जो है वो कौन सी है। सा ये तालब्य शा है, और उसके बाद शा ये मूर्धन्य शा है, और ये दंत। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये तीन शा और उसके बाद ये हा, इन चार वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत भी आते हैं, इसलिए सल ऊष्माणा ऐसा एक सूत्र भी है जो आप आगे व्याकरण में उसका ज्ञान करने पर जानेंगे। उसके पश्चात हम अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं यह जानते हैं। इनकी संख्या भी चार होती है, अंतस्थित होते हैं। जैसे यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं, यणोन्तस्था। उसके पश्चात संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नाम से ही जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, जब संयुक्त अर्थात कोई मिलन हो रहा है तो दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या तीन होती है, तो तीन संख्या कौन कौन सी है, छ, त्र और ज्ञ। तो इस प्रकार से ये तीन व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और किन किन वर्णों के सहयोग से इनका निर्माण होता है यह यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो क्षा का निर्माण होता है, का यानी शुद्ध का जिसमें अलंत लगा हुआ, फिर उसके बाद श अर्थात मूर्धन्य शकार से शा का निर्माण होता है। उसके बाद ता और रा मिलकर के त्रा व्यंजन बनता है, उसके बाद जा और ज्ञा मिलकर के ज्ञा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन चार प्रकार के व्यंजनों के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की। अब देखिए अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अनुस्वार का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो अनुस्वार जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं रामम, यहाँ पर माँ के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है उसी को अनुस्वार की संज्ञा दी जाती है। जैसे यहाँ पर भी देखिए ज्ञानम, यहाँ पर जो बिंदु लगा है उसको अनुस्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि माँ, मम, रामम और ना के ऊपर बिंदु है तो ज्ञानम, तो इन पर जो बिंदु लगा है उसे ही अनुस्वार कहा जाता है। इसका उच्चारण माँ की तरह होता है, अर्थात इनका उच्चारण माँ की तरह होता है। अगला है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग इस प्रकार से लिखा जाता है, वर्ण की अंतिम ध्वनि, वर्ण की अंतिम ध्वनि, किसी शब्द की अंतिम ध्वनि हा को प्रकट करने के लिए। ठीक, बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थी देखेंगे, वर्ण की अंतिम ध्वनि हा को प्रकट करने के लिए अंत में दो बिंदुओं का प्रयोग होता है, अंत में दो बिंदुओं का प्रयोग होता है जिसे विसर्ग कहा जाता है, यथा रामः श्यामः आदि। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रामा में अंत में हा वर्ण, हा ध्वनि को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात अनुनासिक देखते हैं, प्रत्येक क वर्ग से प वर्ग तक वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे क वर्ग में गा और च वर्ग में या और ट वर्ग में णा और ता वर्ग में ना और पा वर्ग में मा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ण विचार जाने, और इसके पश्चात हम अपनी कक्षा को और आगे बढ़ाते हैं और प्रत्याहार जानते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन। आद्रंतेन संहिता सूत्र के अनुसार व्याकरण शास्त्र का वह सिद्धांत जो अपनी संक्षिप्त संज्ञा के साथ साथ आदि, मध्य और अंत, यहाँ पर याद रखें कि आदि, मध्य और अंत, प्रत्याहार आदि, मध्य और अंत स्थित इत संज्ञक वर्णों का बोध कराता हो उसे प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात प्रत्याहार का तात्पर्य यह है कि वह अपने साथ साथ अंत में और मध्य में स्थित वर्णों का भी बोध कराता है। और संक्षिप्त कथन अर्थात
बहुत से छोटे से अक्षरों में अपनी विशद बात को कह देने वाले तत्व को, सिद्धांत को प्रत्याहार कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में देखिए, अच या एक प्रत्याहार है जो कि अत्यंत छोटा है, और परंतु उसे बोध किसका हो रहा है, कितनी दीर्घ बात कही जा रही है यहाँ पर, कि अच प्रत्याहार के द्वारा, आप देखिए यहाँ पर अज प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बनते हैं, आ ई ऊ री ऋ ए ओ ऐ औ च, यहाँ पर चार सूत्रों के द्वारा देखिए कि अज प्रत्याहार का निर्माण हुआ, इसमें सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। और इसमें देखिए कि अंतिम जो हलंत वर्ण होता है उसका परिगणन यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ अज से सभी स्वरों का बोध हो रहा है। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। यहाँ पर आपने देखा कि अच में कि ऐ उण, यहाँ पर ये सूत्र है, और ऐ उण में जो चा था उसको यहाँ पर, ये जो हलंत वर्ण था उसको क्या कर दिया गया है, उसका लोप कर दिया गया, उसकी इत संज्ञा हो गई। इस प्रकार से देखें आप तो इस तरह से चा और ए ओं रिल रिक में काको, काकी इत संज्ञा हो गई है, और ए ओं में अंगा की हो गई है, और ऐ औच में चाकी हो जाती है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसका परिगणन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब अंतिम प्रथम प्रत्याहार बनाने के लिए हमें प्रथम और अंतिम वर्ण को विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने योग्य जो नियम है वो देखिए, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को भली भांति कंठस्थ कर लेना चाहिए। जब हम प्रत्याहार बनाएं तो हमें किन किन नियमों को ध्यान रखना चाहिए वो बता रहे हैं यहाँ पर, कि हमें सर्वप्रथम चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, उसके पश्चात इत संज्ञक वर्णों का हमें ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इत संज्ञा किन वर्णों की होती, जैसे कि आपने देखा प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, हलंत है, उसी की इत संज्ञा हो जाती है, उसका परिगणन नहीं किया जाता है। उसके पश्चात तीसरा जो नियम है, माहेश्वर सूत्रों में संबंधित प्रत्याहार के प्रथम वर्ण को खोजकर लिखना चाहिए। अर्थात जैसे हम कोई प्रत्याहार बना रहे हैं तो उसका प्रथम वर्ण, जैसे अच प्रत्याहार में आ पहला वर्ण है और च जो हलंत है वो अंतिम वर्ण होता है, तो उस प्रकार से उसको हमें लिख लेना चाहिए, प्रथम वर्ण को खोजकर लिखना चाहिए। उसके बाद प्रारंभिक वर्ण के आगे जो प्रथम है, प्रारंभिक वर्ण है, उसके आगे इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर अन्य सभी वर्णों को क्रमशः तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक प्रत्याहार का अंतिम इत वर्ण प्राप्त ना हो जाए। तो इस प्रकार से आप प्रत्याहार की सिद्धि कर सकते हैं भली भांति। अब हम देखते हैं कि जो 42 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। इस प्रकार से 42 प्रत्याहारों की तालिका आपके सम्मुख स्पष्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अण, अक, अच, अट, अट और अण, अम, इस प्रकार से 42 प्रत्याहारों की सूची यहाँ पर आपके सम्मुख है। तो यहाँ पर एक तालिका में 7 प्रत्याहारों को दिया गया है, और यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से 42 प्रत्याहार हो जाते हैं। तो इन 42 प्रत्याहारों की गणना व्याकरण शास्त्र में है और इनकी सिद्धि की जाती है। इसी प्रकार से अन्य प्रत्याहारों को भी आप सभी विद्यार्थीगण हल करेंगे, अच के साथ इच के और यण, इन सभी प्रत्याहारों को आप हल कर सकेंगे ये बताए हुए नियमों के आधार पर। जैसे यहाँ पर एक और प्रत्याहार को हम हल करके देखते हैं, जैसे ये अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार का हम सिद्ध करते हैं, तो अक प्रत्याहार के लिए आई हम प्रथम वर्ण लिखते हैं आ, उसके पश्चात ई ऊ और ला, चूंकि इत संज्ञक है इसलिए इसकी गणना नहीं होती है, ये इत संज्ञक है। फिर उसके बाद री और उसके पश्चात का, तो इस प्रकार से अत प्रत्याहार यहाँ पर हमें का प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस प्रत्याहार की यहाँ पर सिद्धि हो जाती है और यह प्रत्याहार निर्मित हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य प्रत्याहारों को भी आप सभी विद्यार्थीगण देखेंगे। गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कीजिए, अट वल हल जस प्रत्याहारों को बनाइए, स्वर और व्यंजन के भेदों को स्पष्ट कीजिए, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए, कौन कौन से हैं ये बताइए। आप सभी
विद्यार्थीगण इस कक्षा से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।